बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम धान की फसल की पनीरी है वो काश्त करने वाले हैं। धान की फसल काश्त करने के दो तरीके हैं, एक कद के बगैर भी काश्त की जाती है और कई लोग जो है वो कद करते हैं। कुछ लोग कद ट्रैक्टर से करते हैं और कुछ लोग बैल की मदद से कद करते हैं। हमारे मोहल्ले के चाचा जान के खुद के बैल है तो हम इनसे पहले कद करेंगे। कद करने के दूसरे दिन इसमें बीज गिरा दिया जाएगा। वीडियो को शुरू से देखें, आपको जरूर मजा आएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बैलों से कद करना बहुत मुश्किल है, ये चाचा जान करते हैं और मैं उनसे पहले सीखूंगा। अगर वो उन्होंने मुझे इजाजत दी हो तो फिर मैं करूंगा, क्योंकि हल से नुकसान भी हो सकता है बैलों को या खुद को। पुराने जमानों में लोग जो बैलों की मदद से ही हल वगैरह खेतों में चलाते थे, तो अब तो जदीद दौर आ गया, ट्रैक्टरों की मदद से अब हल चलाई जाती है, तो बैलों को कौन पूछता है। धान की फसल उसी खेत में उगाई जाती है जिसके साथ ही जो है ना वो ट्यूबवेल हो, इसके साथ ही ट्यूबवेल है और साथ ही पनीरी उगानी है। और ये साथ ही हमारा खेत है, साथ ही ट्यूबवेल और साथ ही खेत है। थोड़े से हिस्से में पनीरी उगाई जाती है, इस हिस्से में हम जो है पनीरी काश्त करने वाले हैं। उस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक जो पनीरी काश्त करनी है और यहाँ पर एक बड़ा सा राकेट बनना जो बनाया जाएगा ताकि जो पानी है वो इधर ना आ जाए। तो यहाँ से लेके वहाँ तक बंद बना लिया गया पानी रोकने के लिए। अब शदीद प्यास महसूस हो रही है, मुझे लगता है कि मुझे वो ट्यूबवेल पर जाके पानी पी लेना चाहिए। जो पानी है वो तकरीबन खेत के काफ़ी हिस्से में आ गया है, पानी जूँ ही पूरा होता है, साथ ही कद कराना शुरू। तो ट्यूबवेल से मैंने पानी पिया और आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखें ये क्या है। ये चाचू जान ने तरबूज रखा हुआ है अंदर ठंडा होने के लिए। पानी जो है वो काफ़ी हिस्से को लग गया, तकरीबन एक ही कॉर्नर रह गया बकाया, जो वो तीनों कॉर्नर तक पानी पहुँच गया। बैल जो हमारे खुद के नहीं है, वो चाचा जान के हैं और उन्हें मैं कहने गया हुआ था, चाचा जान जो है पानी वो लग गया तकरीबन, आपको अब आ जाना चाहिए। तो वो कह रहे थे अभी मैं बैल जो के जो वो हल वगैरह है उसके साथ कनेक्ट करके लेके आ रहा हूँ। अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो खेत से बाहर जाएगा पानी। चाचा जी थोड़ा ही इंतज़ार हो रहा है। तो ये दो बैल हैं, तो माशाल्लाह देखें बैल कितने काफ़ी देर से रखे हुए हैं इन्होंने। ये जो बैल हैं ये हवेली बांधे होते हैं और जो दूसरा सामान होता है वो यहाँ पर उतारा होता है चाचा जान ने, सामान को बैल के साथ कनेक्ट करना है। ये माल है, पैसे लेने सूट लेने। तो चाचा जान के पास देखो पैसे आजकल। तो ये बैलों को भी मास चढ़ाया जा रहा है ताकि चाचा जी क्यों चढ़ाते हैं, मुंह नहीं मारता। हाँ नीचे जो घास वगैरह नहीं, मुंह नहीं मारता। तो ये चाचा जान ये जो ना बैलों के साथ पंजाली कनेक्ट कर लिया, अब लेके जा रहे हैं खेत में, और खेत भी वो सामने और पीछे सुहागा जिसे पहली पदरी होती है। बैल जो है वो लेके खेत में पहुंच गया, सबसे पहले इन्हें पानी पिलाया जा रहा है ताकि इन्होंने काम करना ज़्यादा। सबसे पहले खेत में हल चलानी है और बाद में ये सुहागे से पहली बराबर की जाएगी और सुहागा इधर उतार देना है पहली से बाहर ही। तो बैल है वो खेत में चला गया, उन्हें पता है कि हमने ये काम करना है और वो खेत में एंटर हो गए हैं। मुझे हल वगैरह चलाने नहीं आती, मैं भी चाचा जान के साथ हूँगा। तो ये जो मैं ट्रोज़र ऊपर कर रहा हूँ और चलते हैं खेत के अंदर। जैसे बैल इंटर हो गया खेत में, वैसे मुझे भी इंटर हो जाना चाहिए अंदर। तो अभी जो है वो हल चलाना शुरू कर ली है। तो ट्यूबवेल हमने बंद कर दी है, तो पानी जो है इसमें हो गया है, पानी ज़्यादा हो गया तो ये देखें ये नक्का हो रहा है, यानी कि पानी का रास्ता बन रहा है। अब इसमें पहले हल चलानी है और हल चलाने के बाद इसमें सुहागा जो है मारना है ताकि ये जो मिट्टी के ढेले हैं ये बराबर हो जाएं। Oh, oh, oh.
हल जो है वो अब खेत में चला लिया है, तो आप सुहागे की बाड़ी आ गई है, प्यारी को बराबर करना है, हल चलाने का बराबर किया जाता है। और अब चाचा जान सुहागा मारेंगे, मुझे तो जाज ही नहीं है, नहीं तो मैं ही मार देता। वो देखिए झूला भी मिलता है ऊपर बैठ के जाने का। ये जो सुहागा मार रहे हैं चाचा जान, इससे यही होता है कि ये जो पहली होती है बिल्कुल ये ऊपर जो मिट्टी के डेले होते हैं बिल्कुल बराबर हो जाती है, और बीज जो है वो नीचे बैठ जाता है, तो इसका बहुत फायदा होता है। तो अभी जो है वो चाचा जान ने काफ़ी ज़्यादा एक दफ़ा जो है सुहागा मार दिया, बराबर कर दिया। तो देखिए आप देख रहे हैं पहले मिट्टी के डेले कितने ऊपर ऊपर नज़र आ रहे थे, अब बिल्कुल बैठ गए हैं, पानी में मिक्स हो गए हैं। अब जो है दोबारा इसमें जो है सुहागा मारना है ताकि जो कोई कसर रह गई है वो पूरी हो जाए। तो अभी जो है वो आज नहीं कराना, वो कल कराएँगे ताकि जो मिट्टी है वो अच्छी तरह बैठ जाए। जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि एक दिन बाद जो है बीज गिराया जाता है। तो आज के लिए इतना ही है, कल मिलेंगे आपको। ये व्हाट्सअप गाइस, तो आज जो है दूसरा दिन है, तो कल हमने पानी वगैरह डाल के कद वगैरह कर दिया था खेत में, तो आज जो है बीज वगैरह गिराना है। तो दो तीन तरह का बीज है, एक सुपर है, एक सुपरी बोलते हैं, और एक और है। चलिए आपको बाहर चल के बताते हैं सारी बात। चलिए जी चलते हैं खेत में। तो ये है जी पनीर का बीज, और ये आप जो वाइट वाइट देख रहे हैं यानी कि उगना शुरू हो गई हुई है। ये पनीरी जो है ना लगाने का यही होता है कि हल्के हल्के उगना शुरू हो जाए। तो जी मुझे तो जाँच नहीं है बीज गिराने की, तो सियाने लोग ही आगे होना चाहिए, अगर सियाने लोग पास हों तो बच्चों को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, सियाने बनकर जो है बीज गिराना पड़ता है, मतलब देख दुख के। तो जिसे जाँच ना हो वो काम नहीं करना चाहिए। जो जाना वो बीज गिराने लगे हैं, और मैं इनको देखूँगा और वीडियो बनाऊँगा इनकी। तो बीज गिराना इतना मुश्किल नहीं है, बस चलते जाना और बीज गिराते जाना। जैसे कि चाचू जान आप देख रहे हैं, ये मेरे चाचू जान है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लकड़ी का हिस्सा है, तो इसको जो है वो लगाया गया तरतीब वाइज, इसकी कतार बनाई है सीधी। तो इसके तीन हिस्से किए गए हैं पहली के, और इन तीनों हिस्सों में वक्रे वक्रे जो है वो बीज गिराना है। तो एक सुपर है, एक सुपरी है, और एक समथिंग इस तरह का कुछ है। तो इसलिए इसके हिस्से बनाए हुए हैं, जब पनीरी बड़ी हो जाएगी लाने के काबिल हो जाएगी, मतलब यहाँ से खेत में ले जाके ले जानी है जब, तो हमें जो निशानी है वो होगी, पता होगा कि यहाँ पर और भी है और यहाँ पर और भी है, तीन तरह का बीज है। तो जी फाइनली काम ख़त्म। तो बीज वगैरह गिरा के मैं आ गया हूँ घर। तो यही थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद आपको जरूर पसंद आई। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को भाव क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लेंगे यार। दमानू डिगे में अपन जी बिन यार पट्टी आज मैं कहिए कल लठ गई जा पट्टी मैं क्या कुनी यार वो बस अपना भाई आ गया अपना भाई। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।